दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को 10 प्रकार का मोबाइल बताऊंगा। 5G फोन है जो कि 10,000 के अंदर मिल जाएंगे आप लोगों को। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छे फोन लेके आया हूँ आप लोगों को। 10,000 के अंदर फोन जो मिलने वाले हैं वो भी 5G के हैं और रैम भी अच्छी रहेगी। यदि आप एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हैं तो इससे काम चला सकते हैं, ऑडियो वीडियो अच्छी आती है। तो आप लोगों को कौन सा फ़ोन लेना है आपके ऊपर है, ठीक है। आप लोगों को 10,000 के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रिक्वायर कर रहे थे कि मुझे 10,000 के अंदर फ़ोन चाहिए, तो आज 10,000 के अंदर 10 प्रकार के फ़ोन लेके आया हूँ। यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पोको M4 64GB का, भाई साहब 4/64 का मिल रहा है, 7,999 रुपये का पड़ेगा। यदि आपको ये फ़ोन चाहिए तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं ऑर्डर, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा। और इसका वीडियो का बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी आती है और जो इसका स्क्रीन टच होता है, स्क्रीनिंग का टच वगैरह ये सब भी अच्छा होता है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बैटरी बैकअप भी बहुत धांसू होती है, ज़बरदस्त होती है। भाई आपको चाहिए तो ले लेना, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, ठीक है। ये फ़ोन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर पड़ेगा क्योंकि इस फोन में जो क्वालिटी दी गई है क्वालिटी भी अच्छी है। आप देख सकते हैं इमेज पे आप लोगों को पूरा दिखाया गया है। यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आप ये फ़ोन देख लीजिए, इसका मॉडल देख लीजिए। आप जाइए अपने वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट अमेजोन या लोकल मार्केट पे, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो डिस्काउंट शायद आपको दुकान पे नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल। ये वाला फोन देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, टेक्नो स्पार्क 10 5G, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। आप लोगों को बहुत सस्ता मिल जाएगा, 8,999 रुपये में मिल जाएगा, बहुत खतरनाक है। आप इसको भी ले सकते हैं, 4/64 का ये भी मिल जाएगा, 8/64 का भी मिल रहा, सॉरी 6/64 का भी मिल जाएगा। आप लोगों को लेना है तो ये फ़ोन भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए। और ऑडियो वीडियो की क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और आप लोगों को इसका जो बैटरी बैकअप है 5,000 ऊपर के एमएच का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। चार्जर जो आता है वो भी साथ में आता है। आप लोगों को खरीदने से पहले डिस्क्रिप्शन में इनका चेक करना होगा, चार्जर मिल रहा है कि नहीं। हमारे पास तो मिल रहा है, आपके इधर क्या पता ड्रॉप हो जाए। आप लोग बिल्कुल ध्यान से खरीदिए, ठीक है। इस पे बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, हर मोबाइल खरीदने से पहले उसके डिटेल चेक करना और चार्जर साथ में मिल रहा है तभी खरीदिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला फ़ोन खरीदना है तो बिल्कुल बेहिचक बड़े आसानी के साथ खरीद सकते हैं। फ़ोन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मोबाइल का बैटरी बैकअप अच्छा है और इनका जो सेंसर वगैरह होता है वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आवाज़ भी बिल्कुल साफ आने वाली है इस फ़ोन से। और आप लोगों को ये फ़ोन कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे दोस्तों। ये वाला भी देख सकते हैं पोको M4 का है, 5G फ़ोन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका रेट 15,000-16,000 आसपास था, बढ़ के आया है 9,000 रुपये। और आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं, ठीक है। 9,999 रुपये का भाई, 6/64 का है ये फ़ोन। दिखने में भी अच्छा है, शानदार है। इससे जो है मदरबोर्ड का, इसका जो मेमोरी कार्ड है, रैम होती है, उसको जो है 6/64 किया है, तो इसलिए इसका रेट जो है 9,999 रुपये का मिल रहा है। और ये फ़ोन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको इसको भी ख़रीदना है तो ये भी फ़ोन खरीद सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, फ़ोन भी अच्छा है। आप सभी लोगों के लिए मैं 5G फ़ोन लेके आया इसलिए कि हमारे ऑडियंस जो हैं 10,000 वाले बहुत सारे हैं, तो उनको परेशानी ना हो। जो फ़ोन अच्छा है वही फ़ोन आपको दिखा रहा हूँ, जो फ़ोन अच्छा नहीं था मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। सारे के सारे 5G फ़ोन लेके आया हूँ। खरीदने से पहले आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए 5G फ़ोन है उसमें सब सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखते हुए आप लोग परचेस करना।
आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन या ऑनलाइन किसी भी मार्केट से देख लेना, नहीं तो ऑफलाइन में भी देख लेना। ऑफलाइन में भी आपके आसपास दुकान के एरिया में जाना, वहां पर सर्च करना, मिल जाता है तो वहीं से ले लेना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है उसी हिसाब में लेना, ठीक है। यहां पर डिस्काउंट बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, आपको वहां पर देखना है कौन सा फ़ोन में डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल। ये वाला फ़ोन भी अच्छा है, टेक्नो स्पार्क 30C, ये फ़ोन भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के लिए ही मैं ऐसे ऐसे फ़ोन लेके आ रहा हूँ भाई, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती है हम लोगों के साथ, हमारे फैमिली आप लोगों, आपको सजेशन करना मेरा हक बनता है कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना है, ठीक है। अगर 10,000 के अंदर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नो स्पार्क 30C 664 का ये भी है, आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही अच्छे यानी रेट में। कैमरे क्वालिटी की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का पीछे बैक साइड में अभी आ रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल। तो आप लोगों को ये फ़ोन कैसे लगा बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप लोगों को ये फ़ोन खरीदना है तो ज़रूर जाइए वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मैं यहाँ लिंक दे दूंगा नहीं, लिंक देने से मेरे को बड़ी यार वो होती है कि वो सोचते हैं कि हम अपने उससे खरीदवा रहे हैं, नहीं। आपको खरीदना है तो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, आप सीधा जाइए फ्लिपकार्ट वेबसाइट या अमेजोन पे, वहाँ से जाके परचेस कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ आपको साथ मिल जाएगा। यदि आपको वहाँ से ख़रीदना है तो बिल्कुल भी बेझिझक, और अभी का टाइम है डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, आप आसानी के साथ मौके का फ़ायदा उठाइए, खरीदिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलते हैं अगले। दोस्तों ये वाला फ़ोन लावा युवा 5G फ़ोन है भाई साहब, आप इसको भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है फ़ोन, लावा का फ़ोन है। बैटरी बैकअप की भी बात की जाए तो लावा का फ़ोन ने बैटरी बैकअप में बहुत सुधार किया है, अच्छा कर दिया है, और इनका जो रैम वगैरह वो भी स्पीड में भी अच्छा है। 5G फ़ोन है, आप इनको ख़रीदना है तो खरीदिए, मेरे हिसाब से मत खरीदना। यदि आप खरीदने का सोच रहे हैं लावा का, तो लावा का फ़ोन मत खरीदिए। खरीदना है तो टेक्नो और पोको अभी ये सब दिखाया ना, उसमें कर ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। 9,930 रुपये का मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन लावा युवा उतना खास नहीं रहेगा, लेकिन एक बात देख लेना, इसका मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ अलग बेहतर अगर मिल जाता है तो वहाँ से ले लेना आपको उसी रेट में, नहीं तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन ठीक नहीं है, क्योंकि लावा का क्वालिटी जो है ठीक तो है, लेकिन लावा का मार्केट में ज़्यादा फ़ोन नहीं है, ज़्यादातर टेक्नो है और ये अपना पोको है, इन सब में ज़्यादा चल रहा है। इन्फिनिक्स का भी मॉडल हो गया अच्छा है, तो आप लोग इन पर ध्यान दीजिएगा खरीदना चाहते हैं तो, और किसी फ़ोन पे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाना है। आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके ही जाना, ऐसे तो नहीं जाना है आप लोगों को यार, वीडियो मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छी लगी है ज़रूर कमेंट करो। तो ये वाला फ़ोन भी देख सकते हैं, आईटेल कोर का है, 5G फ़ोन है, आईटेल कोर प्रो 5G, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इस फ़ोन को भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, आइडियल कोर ने भी धमाल मचा रखा है। 5G फ़ोन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इनका भी नया मॉडल आ रहा है, तो इन्होंने अपने मोबाइल में ज़रूर सुधार किया होगा ताकि ये मोबाइल जो है चले अच्छा, बैटरी बैकअप भी अच्छा दे, इनका कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है, और इनके जो स्क्रीनिंग का होता है वो भी अच्छा है भाई। स्पीडिंग देख लेना, यदि ख़रीदना है तो उनसे पहले सर्च कर लेना वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, इनका रिव्यू देख लेना, रिव्यू तो फ्लिपकार्ट पे अच्छा ही दे रहे हैं, लेकिन एक बार आप कुछ चेक करना है, अगर आपको अच्छा लगे तभी खरीदना है, नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी उसके पीछे मत भागिए, ठीक है। फ़ोन भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। आप लोगों को ख़रीदना है तो बिल्कुल बड़े आसानी के साथ खरीद सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फ़ोन जो है नंबर 1 का दिख रहा है फिलहाल, और चलिए ये पोको एम फोर ये थोड़ा अलग डिज़ाइन में है, ये भी सेम अभी जो पहले बताया था उसी के अनुसार ही है पोको एम फोर का, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, सेम रेट है, 9,999 रुपये का मिल रहा है,
इसमें बात यह है कि थोड़ा कलर में अलग किया गया है, 4/64, 6/64 दो टाइप का मिल रहा है आप लोगों को, 10,000 के अंदर मिल जाएगा और फोन में अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छा सब कुछ दिया होता है। इसीलिए इसका चार्जर की बात करूं तो चार्जर इन्होंने बहुत धमाके दाग दिया है, वैसे चार्जर कोई कंपनी वाला नहीं दे रहा है, किसी भी मोबाइल वाली कंपनी में ऐसा फोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चार्जर जो है इनका बहुत धमाकेदार होता है, बड़ा होता है, अच्छा होता है, स्पीडिंग होता है, बहुत स्पीड होती है इनके चार्जर में। भाई ये जो चार्जर देते हैं पोको वालों ने, ऐसा चार्जर तो अभी किसी ने भी नहीं दिया है जो चार्जर पोको वाले ने दिया है, क्योंकि खतरनाक और बिग साइज का दिया है, स्पीड बहुत ज़्यादा दिया है, अच्छा लगता है। पोको वालों ने बहुत सुधार किया है अपने मोबाइल के साथ जो चार्जर दे रहे हैं। पोको फोन का जितना भी आ रहा है, M4, M6, M30 जो भी आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए मिलते हैं अगले मोबाइल की तरफ दोस्तों। ये भी फ़ोन है आईटेल 5G फोन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहा है और आप लोग इसमें देख सकते हैं 8,953 रुपये का मिल रहा है। भाई साहब फ़ोन भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और बैटरी बैकअप भी अच्छा है, इनका चार्जर भी अच्छा है, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ ये फ़ोन मत। आईटेल का जो फ़ोन दिखा रहा हूँ इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे दोस्त बहुत सारे लोग होंगे जो खरीदने की कोशिश करेंगे। आईटेल 5G फ़ोन मत खरीदिएगा, मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, आईटेल में कोई दम नहीं होता है, आईटेल में कोई इतना खास नहीं होता, आप इनके पीछे मत भागिएगा। यदि आप खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से मत खरीदना। मैं सजेशन करूँगा पोको फ़ोन पे, ठीक है, क्योंकि इनका यूज बहुत ही अच्छा होता है, हैंग नहीं होता, लेकिन हाँ कोई है आईटेल वगैरह खरीदते हैं जो हैंग नहीं होता, जो यानी स्पीड में चलता है, गेमिंग खेल नहीं सकते, गेमिंग वगैरह का आप सोच रहे होंगे कि हम खेलेंगे, हाँ छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं, कैंडी क्रश हो गया, ये सब हो गया, आराम से खेल सकते हैं, कैंडी सागा, कैंडी क्रश, दो तीन टाइप के ऐसे फ़ोन गेम होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा लेवल पे चले जाते हैं 1200, 1300, 1500 तो वहाँ पर स्टॉप होने लगता है, तो इस चीज़ लिए मैं मना कर रहा हूँ। दोस्तों ये वाला फ़ोन बहुत ही अच्छा है, पोको C61 बहुत ज़बरदस्त है और आप लोगों को ये फ़ोन भी लेना है तो ले सकते हैं, 5,799 रुपये का मिल जाएगा। भाई साहब इतना सस्ता फ़ोन और कोई मार्केट में नहीं मिलने वाला। स्क्रीन टच का 4/64 मिल रहा है और इसकी क्वालिटी भी देखी जाए तो अच्छी है, लेकिन हाँ सिर्फ बात करने के लिए अच्छी है, ठीक है, यहाँ पर आप इंटरनेट से यानी वीडियो वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इसका चांसेस क्या है कि मोबाइल जो है गर्म हो जाएगा, आप लोग खरीदना मत, यदि खरीदोगे पछताओगे, ठीक है, आपको इतना सस्ता नहीं जाना है, 8,000-9,000 तक जाना है, 5,700 वाले में जाना है तो ये समझ लीजिए आपको फ़ोन उठाना है, वीडियो देखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आप अपना जो कुछ भी मनोरंजन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ोन मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि साल दो साल के अंदर ये फ़ोन ख़राब हो सकता है। भाई गर्म ज़्यादा होगा तो आप नहीं चलाओगे, हैंग गर्म होने के कारण मोबाइल हैंग होने वाला होता है, हैंग होने लगता है तो फिर मज़ा नहीं आता, जब फ़ोन आएगा तो आप उठाते रहोगे, उठेगा नहीं, ये होता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये फ़ोन नहीं लेना है, बिल्कुल भी फंसना नहीं है, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी F05 या F05 बोल दीजिए कुछ भी, लेकिन ये फ़ोन जो है आप लोगों को इतना सस्ता मिल रहा है, 6,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, 6,500 में मिल जाएगा, लेकिन ये फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी वालों ने भी अच्छा किया है, खरीद के सस्ता कर दिया है कि बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो इसी को खरीदने के अफोर्ड में हैं, तो खरीद लेना दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप खरीदे ही, आपके पास अगर वीडियो देखना है और कॉलिंग करनी है तो फ़ोन खरीद सकते हैं, चला सकते हैं, थोड़ा बहुत फोटोज़ वगैरह भी अच्छा आता है, ऐसा नहीं है, जो अपना थोड़ा बहुत इंटरनेट से काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, तो आप इसको 6,000 रुपये वाला अफोर्ड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 5,000 का जो अभी दिखाया था वो भी ले सकते हैं, जिनको यानी जिनके पास बैलेंस नहीं है, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो खरीद सकते हैं, और आप लोगों को ये फ़ोन की तरफ जाना है तो जा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ
जो गरीब परिवार के लोग हैं जिनको सिर्फ गेम, अरे सॉरी, मोबाइल यानी वीडियो देखना, उसमें बात करना, ये काम चलाना होता है, तो ये खरीद सकते हैं। छोटा मोटा गेम भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले 464 पे भी बहुत सारे लोग, सब लोग यूज कर चुके हैं, हमने भी यूज किया है। जितने सारे लोग हैं सभी लोग 464 को यूज किया है। उसके बाद जो है बड़ा साइज आया है, तो आप लोग देख लेना, अगर आपको खरीद रहे हैं तो खरीद सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले। दोस्तों ये फोन भी आप लोगों को बहुत धमाकेदार दिया हूँ, इन्फिनिक्स नोट 50 5G फोन, बहुत जबरदस्त है। 9,999 रुपये के मिल रहा है और बहुत ही जबरदस्त है भाई। 6128 8128 से मिल रहा है, तो फोन की क्वालिटी देखी जाए तो बहुत जबरदस्त है। आप लोगों को खरीद रहे हैं तो ये फोन खरीद सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा जरूर जाइए, जो 10,000 का खरीदना चाहते हैं ना, ये वाला खरीद सकते हैं। तो ये फोन आप लोगों को देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल इस पे जाइए और इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फोन है। यदि आप सभी लोग सहयोग करते हैं कि आपको ये फोन खरीदना है, तो बिल्कुल भी बेहिचक खरीदिए। बहुत ही अच्छा फोन है, क्वालिटी भी अच्छी है, कैमरा वगैरह बहुत ही अच्छा है। कैमरे क्वालिटी 50 मेगापिक्सल तो आप जानते ही हैं, लेकिन मेमोरी इसमें जो है मदरबोर्ड होता है, जो बोलते हैं भाई हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए, तो 6128 का मिल रहा है, 8128 का मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, 9,999 रुपये में मिल रहा है। अभी डिस्काउंट हो गया है तो आप जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, नहीं तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो फिर एक का रेट बढ़ जाएगा। तो अभी के टाइम पे माइनस हुआ है ना, फटाफट खरीद लीजिए, वेट मत कीजिए, यही टाइम है, यही मौका है खरीदने का। इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाला फोन, ठीक है। आप इसको खरीदना है तो बिल्कुल बेहिचक खरीदिए। वीडियो पसंद लगी तो जरूर कमेंट। दोस्तों ये वाला फोन कैसे लगा Redmi 30 से, देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दे रहा हूँ। आप लोगों को ये फोन कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। भाई ये Redmi 30 सी, ये भी 8,999 रुपये के मिल रहा है भाई, बहुत जबरदस्त फोन लेके आया हूँ। 5G फोन है सी, ठीक है, 464 664 का मिल रहा है, आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, कैमरा, गेम, मोबाइल यानी यूट्यूब की वीडियो देखना, यूट्यूब वीडियो बनाना ये भी अच्छा होता है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग वीडियो वीडियो बनाते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक अच्छे खासे चलते हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, 464 मिल रहा है, 664 भी मिल रहा है, आपको बहुत ही आसानी होगी ये मोबाइल यूज करने में। 664 का मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है। और इसके साथ साथ जो चार्जर दिया जा रहा है, चार्जर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का दे रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, रेडमी में ध्यान रखना खरीदने से पहले, यदि आपको चार्जर मिल रहा है तभी खरीदना, नहीं तो नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना, छोड़ देना है आपको, इस पे नहीं जाना है। फिर पोको ले लेना है, पोको पे चार्जर मिल जाता है, रेडमी पे शायद चार्जर नहीं मिलेगा। आप एक बार खरीदने से पहले इसमें चेक कर लेना, तो बिल्कुल भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि मोबाइल ले लोगे चार्ज कहाँ करोगे, ये बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको चार्जर मिल जाता है तभी खरीदना है, नहीं चार्जर मिलता तो मत खरीदिए। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ।